क्या आपका भी ऑफर होल पे चला गया है? इंटरव्यू दे दियो, फीडबैक का वेट कर रहे हो, अभी तक फीडबैक नहीं आया। जॉब अप्लाई करके थक गए हो आप? डॉक्यूमेंट, इंटरव्यू, सब चीज होने के बाद भी पोजीशन होल पे चला गया, तो सब बात करते हैं इस वीडियो में, बने रहे। तो आज मैं सभी टॉपिकों पे बात करने वाला हूँ, खासकर इंफोसिस वाले बंदे जो परेशान हैं, उनका पोजीशन होल्ड पे चला गया है, डॉक्यूमेंट सबमिट कर चुके हैं, तभी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, इंटरव्यू क्लियर हो चुका है, ऑफर लेटर आने के बाद भी बहुत बंदों को ये व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल से आ चुका है कि उनका पोजिशन होल्ड पे चला गया है, तो क्या करे। देखो, इन सभी रीजनों में अगर पोजिशन आप डॉक्यूमेंट सबमिट किए हो या इंटरव्यू दे दिए हो या फिर डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हो, ऑफर लेटर आ गया है, अगर एचआर बोलती है पोजीशन होल्ड पे चला गया, तो प्लीज उसको लेके मत ढोना, आप दूसरे ऑफर की तैयारी करो, इन्फोसिस करें। अगर आप इन्फोसिस में अप्लाई कर चुके हो, किसी रीजन से आप रिजेक्ट हो चुके हो, या फिर ऑफर होल्ड पे चला गया है, या डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया है, या आप फिर से किसी पोजिशन पर अप्लाई करना चाहते हो, तो आपका कूलिंग पीरियड 6 महीने है, उसके पहले आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। हाँ, आप ट्राई करना, अगर ईमेल फोन नंबर चेंज करके हो जाए तो। और आप अगर परेशान है कि जॉब अप्लाई कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा आपके तरफ से, जॉब वालों की तरफ से, या फिर या क्या बोले कि अप्लाई कर रहे हो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कि इंटरव्यू ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, क्या कारण है? जॉब का बिगड़ता हुआ रूप, मतलब एक तरह से देखें कि ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद ही डिसाइड हो पाएगा कि मार्केट उठ रहा है या फिर गिर रहा है, क्योंकि पोजीशंस, एक पोजीशंस पे हजार हजार बंदे अप्लाई कर रहे हैं। अब सोचो, जिनका सैलरी कम होगा वो उनको ही प्रेफर करेंगे जो अच्छे बंदे होंगे। सो मार्केट में कुछ जॉब नहीं है, ना सर्विस बेस्ड ना प्रोडक्ट बेस्ड, कोई हायरिंग करना नहीं चाह रहा है, जितने बंदे हैं उसी में वो काम चला रहे हैं। और जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं सर्विस बेस्ड कंपनी के पास, वो आपको भी पता होगा कि फाइनेंशियल ईयर्स में अधिकतर क्लाइंट चालू ही नहीं करना चाहते हैं प्रोजेक्ट्स, तो मार्च के बाद पता चलेगा कि मार्केट में क्या होने वाला है। अगर आपके पास पोजीशंस आ रहा है तो आप बेफिक्र अप्लाई करें, इंटरव्यू दें। अगर सैलरी के लिए अगर दिक्कत हो रहा है तो बेसिक आप थोड़ा कम सैलरी मांगो, बट अगर ज्यादा सैलरी आप मांग डिमांड करोगे तो वो किसी ना किसी बहाने से रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि एक पोजीशंस गाइस और करीब 20 बंदे सेलेक्ट हो रखे हैं, जो सस्ता होगा जो अच्छा होगा वो उन्हीं को लेंगे। तो आपका डाउट क्लियर मैंने कर दिया है इन्फोसिस के बारे में, जो भी बंदे पूछ रहे थे मेरे ईमेल से या फोन नंबर पे या व्हाट्सएप पे, तो मैं उनको बता दूं कि अगर आपका किसी भी रीजन से आप कहीं भी स्टेप पे हो, जैसे कि आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया है, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया और एचआर का कॉल आया था कि पोजीशन होल्ड पे, तो आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है तो वेट करो, 2 से 3 वीक आपको ऑफर लेटर भेज देंगे। अगर ऑफर लेटर आ गया है तो ज्वाइनिंग डेट से पहले अगर एचआर कॉल नहीं कर दिया आपको कि आप पोजीशन होल्ड पे है, तो आप बेफिक्र ज्वाइन कर सकते हो। अगर इंटरव्यू दी हो, टेक्निकल राउंड अगर क्लियर है, एचआर बोल दिए कि डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए आपको कॉल करेंगे, तो वेट करो, 1 से 2 वीक कॉल करेंगे। अगर 1 महीना हो जाता है तो क्या करें? तो फाइनली आप एचआर को कॉल करो, अगर अपडेट नहीं होता तो भी छोड़ दो, आप दूसरे ऑफर के लिए तैयारी करो, इसमें ये कर सकते हैं। और मार्केट का हाल खराब है, जो बंदे जहां है वहीं पड़े रहो, मैं ये बोल रहा हूँ। अगर अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, ऑफर मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, तो आप खुशी खुशी जाके ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम आ रही है, चाहे जितने भी कंपनी ले लो, लिंक्डइन पे ले लो, नौकरी पे ले लो, जितने भी जो भी है पोर्टल्स हैं उस पे जाओ, पोजीशन दिख रही है बट अप्लाई करोगे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रही है। तो कुछ भी दिक्कत हो मुझे ईमेल करना, मैसेज करना, आई विल रिस्पॉन्ड यू ऑल। थैंक यू, बाय।